डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एफिनिटीज़ एंड सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में बताऊंगी। सिफेलोकॉर्डेट्स, जिसका एग्जांपल ब्रैंकियोस्टोमा है, सिफेलोकॉर्डेट्स आर यूनिक इन शोइंग एफिनिटीज़ विद कॉर्डेट्स एज वेल एज नॉन कॉर्डेट्स। सिफेलोकॉर्डेट्स कॉर्डेट्स व नॉन कॉर्डेट्स दोनों के साथ बंधुताएं या एफिनिटीज़ प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं नॉन कॉर्डेट एफिनिटीज़, नॉन कॉर्डेट बंधुताएं। सिफेलोकॉर्डेट्स हैव बीन रिगार्डेड टू बी फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड टू सेवरल नॉन कॉर्डेट ग्रुप्स एट वन टाइम और अदर। सिफेलोकॉर्डेट्स फाइलोजेनेटिकली समय समय पर अनेक नॉन कॉर्डेट समूहों से संबंधित माने जाते रहे हैं। ओनली दोज विद मोर इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स आर बीइंग समराइज्ड बिलो। केवल अधिक महत्वपूर्ण समूहों के साथ उनकी समानताओं का सारांश हम देख रहे हैं। बट दीज कैन बी ओवरलुक्ड इन फेवर ऑफ द मोर कॉर्डेट लाइक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स। परंतु सिफेलोकॉर्डेट्स के अधिक कॉर्डेट के समान लक्षणों के कारण इनको अनदेखा किया जा सकता है। सबसे पहले एफिनिटीज विद एनिलीडा। सम ऑफ द कॉमन फीचर्स आर बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड मेटामेरिकली अरेंज्ड। मेटामेरिकली अरेंज्ड प्रोटोनेफ्रीडिया विद सोलिनोसाइट्स एज इन सम पॉलीकिड्स। वेल डेवलप्ड सिलोम क्लोज्ड एंड सिमिलरली डिस्पोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड फिल्टर फीडिंग मेथड इन सम पॉलीकिड्स। एनिलीडा के साथ सिफेलोकॉर्डेट्स क्या बंधुताएं दिखाते हैं, तो उनमें से कुछ कॉमन फीचर्स इस प्रकार से हैं। पहला, शरीर बायलेटरली सिमेट्रिकल और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, यानी कि विखंडी रूप से खंडित होता है। मेटामेरिकली अरेंज्ड प्रोटोनेफ्रीडिया होती हैं, जिनमें सोलेनोसाइट्स या ज्वाला कोशिकाएं, जिनको अपन बोलते हैं ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, जैसा कि कुछ पॉलीकिड्स में होता है। वेल डेवलप्ड सिलोम होती है, यानी कि सुविकसित सिलोम पाई जाती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद व समान प्रकार से व्यवस्थित होता है। कुछ पॉलीकिड्स में फिल्टर फीडिंग मेथड पाया जाता है। ऑब्जेक्शंस इन सिफेलोकॉर्डेट्स, अनलाइक एनिलीड्स, मेटामेरिज्म इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू मायोटोम्स एंड गोनेट्स। एनिलीड्स से भिन्न सिफेलोकॉर्डेट्स में मेटामेरिज्म केवल मायोटोम्स और गोनेट्स या जंदों में पाया जाता है। सिलोम इज एंटीरोसीलिक एंड नॉट शाइजोसीलिक एज इन एनिलीड्स। सिफेलोकॉर्डेट्स में सिलोम एंटीरोसीलिक होते हैं, जबकि एनिलीड्स में शाइजोसीलिक होती है। द फ्लो ऑफ ब्लड इन मेन ब्लड वेसल्स इज इन अपोजिट डायरेक्शंस इन द टू ग्रुप्स। दोनों में ब्लड का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। अबव ऑल द थ्री बेसिक कॉर्डेट करेक्टर्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा आर नॉट प्रेजेंट इन एनिलीड्स। सबसे महत्वपूर्ण, एनिलीडा में सिफेलोकॉर्डेटा के तीनों बेसिक या मूल कॉर्डेट लक्षण नहीं होते हैं।
नेक्स्ट एफिनिटीज विथ मोलस्का. इट वॉज पैलास हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एंड नेम्ड एम्फीऑक्सिस एज लाइमेक्स लेंसियोलेटस कंसिडरिंग इट टू बी ए स्लग. सबसे पहले पैलास ने एम्फीऑक्सिस को एक स्लग या मोलस्क माना था और उसका नाम लाइमेक्स लेंसियोलेटस दिया था. बट द सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग एंड रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म थ्रू वाटर करेंट विच आर कॉमन फीचर्स ऑफ द टू ग्रुप्स मे बी ड्यू टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ. लेकिन वाटर करंट के साथ सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग तथा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म दोनों ग्रुप्स में जो कि समान होते हैं, ये इनके समान रूप से जीवन यापन की विधि के कारण हो सकता है. देयर एनाटॉमी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. इनकी एनाटॉमी पूर्णतः अलग होती है, डिफरेंट होती है. मोर ओवर मोलस्क आर अनसेगमेंटेड एंड देयर लोकोमोटरी पोडियम इज़ ऑल्सो अननोन इन सिफेलोकॉर्डेट्स. इसके अतिरिक्त मोलस्क अनसेगमेंटेड होते हैं, यानी कि अखंडित होते हैं, तथा उनमें जो गति के लिए पोडियम पाया जाता है वो सिफेलोकॉर्डेट्स में नहीं पाया जाता, यानी कि उनका जो चलन पादक है वो सिफेलोकॉर्डेट्स में नहीं है. नेक्स्ट एफिनिटीज विद इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा से एफिनिटीज या बंधुताएं. इकाइनोडर्म्स हैव एसिमेट्रिकल बॉडी एंटीरोसिलिक सिलोम एंड सिमिलरली फॉर्म्ड मीजोडर्म. इकाइनोडर्म्स का शरीर भी असममित यानी कि एसिमेट्रिकल एंटीरोसिलिक सिलोम तथा मीजोडर्म से बना होता है. परफोरेशंस इन द कैलिक्स ऑफ सम फॉसिल इकाइनोडर्म्स लुक सिमिलर टू गिल स्लिट्स ऑफ एम्फीऑक्सिस. कुछ फॉसिल इकाइनोडर्म्स के कैलिक्स में परफोरेशंस या छिद्रों की उपस्थिति एम्फीऑक्सिस के गिल स्लिट्स के समान प्रतीत होती है. एज इन ब्रैंकियोस्टोमा ऑफ्योरॉइड्स हैव सिमिलर फॉस्फोजीन्स और क्रिएटिन फॉस्फेट. ब्रैंकियोस्टोमा के समान ही ऑफ्योरॉइड्स में भी समान प्रकार के फॉस्फोजीन्स या क्रिएटिन फॉस्फेट होते हैं. बट ऑल दी सिमिलर फीचर्स मे बी बिकॉज ऑफ वेरी रिमोट कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ द टू ग्रुप्स. परंतु ये समान लक्षण दोनों समूहों की बहुत दूर की समान पूर्वजता या एंसेस्ट्री के कारण भी हो सकते हैं. नाउ कॉर्डेट एफिनिटीज. सिफेलोकॉर्डेटा शोज द थ्री बेसिक कॉर्डेट फीचर्स, दैट इज द नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स इन द मोस्ट टिपिकल मैनर. And there is no doubt about its chordate nature. Cephalochordata अत्यंत प्रारूपिक ढंग से तीन मूल chordate लक्षण प्रदर्शित करता है, जैसे notochord, dorsal tubular nerve cord तथा pharyngeal gill slits. और उसकी chordate प्रकृति के विषय में कोई संदेह नहीं है. However, it shows relationships with all the major groups of phylum Chordata
एंड इट्स रियल स्टेटस इन द फाइलम रिमेन्स अनसर्टेन। तथापि यह कॉर्डेट संघ के सब प्रमुख समूहों से संबंधित संबंध प्रदर्शित करता है और संघ में इसका वास्तविक स्थान अनिश्चित है। एफिनिटीज विद हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा रिजेंबल इन हैविंग सिमिलर फर्स्ट फेरिंजल एपरेटस विद न्यूमरस गिल स्लिट्स एंड गिल बार्स, सेकेंड फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म, थर्ड रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, फोर्थ एंटीरोसिलिक सिलोम एंड फिफ्थ न्यूमरस गोनेड्स विदाउट गोनोडक्ट्स। सिवेलोकॉर्डेट्स और हेमीकॉर्डेट्स में भी बंधुताएं हैं। ये बंधुताएं क्या हैं? पहली, फेरिंजल एपरेटस, दोनों में समान रूप से फेरिंजल एपरेटस पाया जाता है जिसमें कई गिल स्लिट्स और कई गिल बार्स होती हैं। फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म या फिल्टर फीडिंग की पोषण विधि समान होती है, समान श्वसन विधि है, दोनों में एंटीरोसिलिक सिलोम पाई जाती है तथा बिना गोनोडक्ट्स के, बिना जनद वाहिनियों के अनेक गोनेड्स या जनद पाए जाते हैं। ऑब्जेक्शंस, आपत्तियाँ। बट मसल्स इन हेमीकॉर्डेटा आर अनसेगमेंटेड, नर्वस सिस्टम डिस्टिंक्टली ऑफ नोटोकॉर्डेट टाइप, गिल स्लिट्स डॉर्सल इन पोजिशन इंस्टीट्यूट ऑफ लेटरल एंड ए पोस्ट एनल टेल इज लैकिंग। परंतु हेमीकॉर्डेटा में पेशियां अखंडित, तंत्रिका तंत्र स्पष्ट या नॉन कॉर्डेट प्रकार का, गिल स्लिट्स की स्थिति डॉर्सल लेटरल की जगह तथा एक पृष्ठगूदीय दुम का अभाव होता है। मोर ओवर इंक्लूजन ऑफ हेमीकॉर्डेटा अंडर कॉर्डेटा इज ऑल्सो अनसर्टेन बिकॉज ऑफ डाउटफुल नेचर ऑफ नोटोकॉर्ड। इसके अतिरिक्त नोटोकॉर्ड की संध्यात्मक प्रकृति के कारण हेमीकॉर्डेटा का कॉर्डेटा में समावेश भी अनिश्चित है, डाउटफुल है। इस प्रकार हेमीकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा से निश्चय ही अधिक प्रिमेटिव हैं। एज सच हेमीकॉर्डेटा विदाउट क्वेश्चन आर मोर प्रिमेटिव देन सिफेलोकॉर्डेटा। नाउ एफिनिटीज विद यूरोकॉर्डेटा। ब्रैंकियोस्टोमा एंड हर्डमानिया आर रिगार्डेड टू बी वेरी क्लोजली रिलेटेड बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव सीलियरी फीडिंग एंड रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, लार्ज फेरिंग्स बियरिंग न्यूमरस लेटरल गिल स्लिट्स, एपीफेरिंजल ग्रूव, एंडोस्टाइल एंड पेरीफेरिंजल बैंड्स, एंड एक्टोडर्म लाइंड एट्रियल कैविटी ओपनिंग टू आउटसाइड थ्रू एट्रियोपोर, आइडेंटिकल अर्ली स्टेजेस, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, गैस्ट्रोलेशन बाय इन्वेजिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड द एसिडियन लार्वा हैविंग ए कंटिन्यूस नोटोकॉर्ड, अबव इट ए डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड ए पोस्ट एनल टेल विद मीडियन कॉर्डल फिन विदाउट फिन रेस। यूरोकॉर्डेट्स और हेमीकॉर्डेट्स, सॉरी सिफेलोकॉर्डेट्स के बीच में क्या क्या एफिनिटीज़ हैं? सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल ब्रैंकियोस्टोमा और यूरोकॉर्डेटा का हर्डमानिया।
इन दोनों के बीच समानताएं अगर हम देखें तो ये पता चलता है कि ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि इनमें एक जैसे प्रीमेटिव सिलियरी फीडिंग और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म पाया जाता है। दोनों में लार्ज फेरिंग्स होती हैं जिसमें कई लेटरल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, एपीफेरिंजल ग्रूव मिलता है, एंडोस्टाइल और पेरीफेरिंजल बैंड्स होते हैं। दोनों में एक्टोडर्म लाइंड एट्रियल कैविटी होती है जो कि बाहर एट्रियोपोर के द्वारा खुलती है। इसके अलावा इनके डेवलपमेंट में भी समानताएं पाई जाती हैं। दोनों में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है और इन्वेजिनेशन के द्वारा गैस्ट्रोलेशन की क्रिया होती है। यूरोकॉर्डेट्स के एसिडियन लार्वा में कंटिन्यूस नोटोकॉर्ड पाई जाती है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है तथा एक पोस्ट एनल टेल पाई जाती है जिसमें मीडियन कॉर्डल फिन होता है जो कि फिन रेस के बिना होता है। ऑब्जेक्शंस, बट द एडल्ट यूरोकॉर्डेट्स आर एक्सट्रीमली डीजेनरेट एंड सेडेंट्री एनिमल्स हैविंग सेवरल फीचर्स अनरिप्रेजेंटेड इन सिफेलोकॉर्डेट्स सच एज बॉडी अनसेगमेंटेड कवर्ड बाय ए टेस्ट मेड ऑफ सेल्युलोज विद एंटीरोसिलिक सिलोम विदाउट नोटोकॉर्ड एंड होलो नर्व कॉर्ड विद ए लीवर एंड ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर हार्ट कवर्ड बाय पेरिटोनियम विदाउट नेफ्रीडिया सेक्सेस यूनाइटेड विद हर्मेफ्रोडाइट गोनेट्स एंड लार्वा अंडरगोइंग रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस टू बिकम द एडल्ट। परंतु वयस्क यूरोकॉर्डेट्स अत्यंत डीजनरेट और सेडेंट्री या स्थानबद्ध जंतु होते हैं। उनमें कई ऐसे लक्षण होते हैं जो सिफेलोकॉर्डेट्स में नहीं पाए जाते, जैसे अखंडित शरीर, सेल्युलोस के टेस्ट से ढका हुआ, एंटीरोसिलिक सिलोम, नोटोकॉर्ड तथा होलो नर्व कॉर्ड का नहीं पाया जाना, यकृत की उपस्थिति, एक वेल डेवलप्ड हार्ट जो कि पेरिटोनियम से ढका रहता है, नेफ्रीडिया की अनुपस्थिति, उभयलिंगी गोनेट्स सही यूनाइटेड सेक्सेस तथा लार्वा में एडल्ट बनने के लिए रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यानी कि प्रतिगामी कायांतरण। दीज डिफरेंसेस शो दैट इन स्पाइट ऑफ क्लोज सिमिलैरिटीज रिफ्लेक्टिंग अपॉन ए प्रोबेबल कॉमन एंसेस्ट्री the cephalocordates are better evolved than the urocordates। ये विभिन्नताएं या ये अंतर प्रदर्शित करते हैं कि संभवतः समान ancestry बताने वाले निकट समानताओं के होते हुए यूरोकॉर्डेट्स से सिफेलोकॉर्डेट्स अधिक अच्छे विकसित होते हैं। नाउ
एफिनिटीज विद साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा से बंधुताएं। दी एमोसिट लार्वा ऑफ लैम्प्रे एंड ब्रैकियोस्टोमा शो ए स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी इन मैनी करेक्टर्स सच एज इलोंगेटेड सिलेंडर फिश लाइक बॉडी, कंटिन्यूस डॉर्सल मीडियन फिन, माउथ सराउंडेड बाय एन ओरल हुड एंड गार्डेड बाय ए वीलम एंड फेरिंग्स हैविंग ए एंडोस्टाइल एंड गिल स्लिट्स। साइक्लोस्टोमेटा या जिन को कॉमनली लैम्प्रेस कहा जाता है उनका लार्वा एमोसिट लार्वा तथा ब्रैंकियोस्टोमा कई करेक्टर्स में समानताएं दिखाते हैं, जैसे कि दोनों का शरीर लंबा पतला फिश के समान होता है, कंटिन्यूस डॉर्सल मीडियन फिन पाया जाता है, मुख एक ओरल हुड द्वारा सराउंडेड रहता है, घिरा रहता है, वीलम से गार्डेड रहता है, फेरिंग्स में एंडोस्टाइल तथा कई गिल स्लिट्स होते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल कॉर्डेट करेक्टर्स इनमें पाए जाते हैं, इनके एडल्ट्स में मेटामेरिक मायोटोम्स पाए जाते हैं, स्थाई गिल स्लिट्स होते हैं, वीलम तथा एक पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। बिसाइड्स दीज फंडामेंटल कॉर्डेट करेक्टर्स देयर एडल्ट्स शो मेटामेरिक मायोटोम्स, परसिस्टेंट गिल स्लिट्स, वीलम एंड ए पोस्ट एनल टेल। इनके साइक्लोस्टोमेटा के लार्वा के अतिरिक्त इनके एडल्ट भी फंडामेंटल कॉर्डेट करेक्टर्स दिखाते हैं और उनमें भी मेटामेरिक मायोटोम्स, परसिस्टेंट गिल स्लिट्स, वीलम, पोस्ट एनल टेल ये सब पाए जाते हैं। नाउ एफिनिटीज विद अदर वर्टिब्रेट्स। बिसाइड साइक्लोस्टोम्स, ब्रैंकियोस्टोमा आल्सो रिजेंबल्स अदर वर्टिब्रेट्स इन सेवरल वेज सच एज मेटामेरिकली अरेंज्ड मायोटोम्स, ट्रूसिलोम लाइन बाय मीजोडर्मल एपिथीलियम, पोस्ट एनल टेल, मिड गट डाइवर्टिकुलम कंपेरेबल विद लीवर, वेल फॉर्म्ड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ मेन लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स विद फॉरवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इन वेंट्रल एंड बैकवर्ड फ्लो इन डॉर्सल ब्लड वेसल। दूसरे वर्टिब्रेट्स के साथ भी सिफेलोकॉर्डेट्स एफिनिटीज दिखाते हैं, जैसे कि मेटामेरिकली अरेंज मायोटोम्स, मेटामेरिकली रूप से अरेंज जो उनमें मायोटोम्स होते हैं, ट्रूसिलोम लाइंड बाय मीजोडर्मल एपिथीलियम, मीजोडर्मल एपिथीलियम से आस्तरित वास्तविक सिलोम, पोस्ट एनल टेल, मिड गट डाइवर्टिकुलम होता है जो कि लीवर के समान होता है या लीवर से जिसकी तुलना की जा सकती है, वेल फॉर्म्ड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, सुविकसित हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, मेन लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत वेसल्स का सिमिलर अरेंजमेंट या समान रूप से व्यवस्थित मेन लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स होती हैं, वेंट्रल वेसल में ब्लड का फॉरवर्ड फ्लो होता है, आगे की तरफ फ्लो होता है या बहाव होता है, जबकि डॉर्सल ब्लड वेसल में पीछे की तरफ ब्लड का या रुधिर का प्रवाह होता है। ऑब्जेक्शंस। सिफेलोकॉर्डेट्स डिफर फ्रॉम साइक्लोस्टोम्स एंड अदर वर्टिब्रेट्स इन मोस्ट ऑफ देयर प्रिमिटिव फीचर्स
already described, such as lack of head, paired limbs, skull, vertebral column, muscular heart, red blood corpuscles, brain, specialized sense organs, gonoducts, etc., and in possessing nephridia, atrium, numerous gonads, asymmetry, etc. Cephalochordate cyclostomes व अन्य vertebrates से पहले से explained या पहले से वर्णित अपने अधिकतर primitive features द्वारा भिन्न होते हैं या विभेदित होते हैं, जैसे सिर, युग्मित limbs या पाद, skull, vertebral column, muscular heart, red blood cells, brain, specialized संवेदी अंग, जनन वाहिनियाँ आदि का अभाव, और दूसरा nephridia, atrium, कई gonads तथा एसिमेट्री का पाया जाना, यानी कि सिफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स में, दूसरे वर्टिब्रेट्स में भी, साइक्लोस्टोम्स और दूसरे वर्टिब्रेट्स में भी कुछ विभिन्नताएं हैं, जो कि जिसको हमने वैसे पहले भी बता चुके हैं, जिनको जैसे कि सिफेलोकॉर्डेट्स में हेड, पेयर लिम्स, स्कल, ये वर्टिब्रल कॉलम, मस्कुलर हार्ट, रेड ब्लड सेल्स, ब्रेन, स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन्स, गोनोडक्ट्स आदि नहीं पाए जाते, जबकि ये सारे करेक्टर्स साइक्लोस्टोम्स और दूसरे वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा सिफेलोकॉर्डेट्स में नेफ्रीडिया, एट्रियम, न्यूमरस गोनेड्स, एसिमेट्री आदि पाई जाती है, जबकि ये सारे फीचर्स साइक्लोस्टोम्स और दूसरे वर्टिब्रेट्स में नहीं पाए जाते। अब हम देख रहे हैं सिस्टमेटिक पोजीशन। सिफेलोकॉर्डेट्स पोजेस ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉर्डेट करेक्टर सो दैट देयर इंक्लूजन इन द फाइलम कॉर्डेटा इज बियॉन्ड डाउट एंड कंक्लूसिव। हाउएवर देयर ट्रू सिस्टमेटिक प्लेस इन द फाइलम रिमेन्स कंट्रोवर्शियल। They are definitely more evolved than the hemichordates. Cephalochordates या ब्रैंकियोस्टोमा में सभी मुख्य कॉर्डेट लक्षण उपस्थित होते हैं, जिससे उनका कॉर्डेट संघ में समावेशन संदेह के परे और निश्चित है। फिर भी इस कॉर्डेट फाइलम में उनका वास्तविक वर्गीकरण स्थान डाउटफुल है या विवादास्पद है। निश्चित ही वे हेमिकॉर्डेट से अधिक विकसित हैं। वाइली स्टेटेड दैट एम्फियोक्सिस इज ए प्रोटोटाइप कॉर्डेट विच कैन बी प्लेस्ड अलोंग द मेन लाइन ऑफ कॉर्डेट इवोल्यूशन। वाइली ने कहा कि एम्फियोक्सिस एक प्रोटोटाइप यानी कि प्रिमिटिव या आदिम तरह का कॉर्डेट है, जो कॉर्डेट विकास की मुख्य धारा में रखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू गर्स्टैंग एंड बैरिल, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स बोथ इवॉल्व्ड फ्रॉम ए नियोटिनिक एसिडियन लार्वा विच फेल्ड टू मेटामॉर्फोस। गर्स्टैंग तथा बैरिल के अनुसार सिफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों ही एक नियोटेनिक एसिडियन लार्वा से विकसित हुए, जिनमें कायांतरण नहीं हुआ या जो कायांतरण करने में असफल रहा, विफल रहा। बट दिस व्यू इज नो लॉन्गर अपहेल्ड।
परंतु यह मत अब और अनुमोदित नहीं है। The specialized characters of branchiostoma indicate that it is not on the direct line of evolution of chordates. ब्रैंकियोस्टोमा के विशिष्ट लक्षण बताते हैं कि यह कॉर्डेट्स के विकास की सीधी या प्रत्यक्ष धारा में नहीं है। गैरस्ट्रंग और ब्रैरिल की थ्योरी हमने ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स में भी पढ़ी थी कि उन्होंने ये बताया था कि सिफेलो कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स जो हैं वो दोनों ही न्यूटेनिक एसिडियन लार्वा से इवॉल्व हुए होंगे, लेकिन अब इस थ्योरी को नहीं माना जाता। कोस्टा एंड येरेल एंड मोर रिसेंटली ग्रिगोरी कंसीडर ब्रैंकियोस्टोमा टू बी ए मॉडिफाइड एंड डीजेनरेट फॉर्म ऑफ सम जालेस वर्टिब्रेट्स दैट इज साइक्लोस्टोम्स और एक ने था। कोस्टा, यारेल तथा अभी आधुनिक में ग्रेगोरी ने बताया कि ब्रैंकियोस्टोमा किसी जबड़ेहीन वर्टिब्रेट या साइक्लोस्टोम्स या एक नेथा का रूपांतरित और हवासित या डीजनरेट रूप है। सम वर्कर्स इवन कंसीडर्ड ब्रैंकियोस्टोमा टू बी ए परमानेंट पीडोजेनेटिक लार्वल फॉर्म ऑफ सम स्पीसीज ऑफ साइक्लोस्टोम्स। कुछ वर्कर्स ब्रैंकियोस्टोमा को साइक्लोस्टोम की किसी जाति का स्थायी पीडोजेनेटिक लार्वा मानते हैं। But the absence of craniate or vertebrate characters, that is head, cranium, skull, vertebral column, special sense organs, etc., and the presence of protonephridia, unknown in chordates, show that it has a very primitive character. परंतु craniate या vertebrate लक्षण जैसे हेड, क्रेनियम, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, विशेष संवेदी ऑर्गन्स आदि तथा आदि का अभाव या उसकी उनकी एब्सेंस तथा कॉर्डेट्स में अननोन प्रोटोनेफ्रिडिया की उपस्थिति ये बताते हैं कि इनका स्वभाव या इनकी जो नेचर है या इनका ये बहुत प्रिमिटिव है। कंक्लूजन, ब्रैंकियोस्टोमा पोजेसेस ए पिक्यूलियर एडमिक्सचर ऑफ प्रिमिटिव डीजेनरेट एज वेल एज स्पेशलाइज्ड और सेकेंडरी कैरेक्टर्स। इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला? ब्रैंकियोस्टोमा में प्रिमेटिव या आदिम प्रकार के, डीजेनरेट यानी कि हासित तथा साथ ही विशिष्ट या द्वितीयक लक्षणों का विचित्र अधिमिक्षण या एडमिक्सचर है। इस एज सच इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स। इस प्रकार यह कॉर्डेट्स के विकास की प्रत्यक्ष धारा में नहीं रखा जा सकता। इट इज़ रिगार्डेड टू बी ए जनरलाइज्ड एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्डेट वेरी क्लोज टू द एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स। यह इसे वर्टिब्रेट पूर्वजों के बहुत निकट का एक सामान्य और प्रिमिटिव प्रकार का कॉर्डेट माना जाता है। मतलब एम्ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस या हम कह सकते हैं कि सिफेलोकॉर्डेट्स जो हैं वो सामान्य प्रकार के
लेकिन प्रिमिटिव प्रकार के कॉर्डेट हैं जिनको वर्टिब्रेट्स के पूर्वजों के बहुत निकट का माना जा सकता है। बट बिकॉज ऑफ इट्स मैनी डिफरेंसेस इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दी वर्टिब्रेट्स, लेकिन कई अंतरों के कारण, कई विभिन्नताओं के कारण इन्हें वर्टिब्रेट्स में इंक्लूड नहीं किया जा सकता, सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इंस्टीड इट इज़ प्लेस्ड इन एन इंडिपेंडेंट सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, इसके स्थान पर इसे एक स्वतंत्र उपसंघ सिफेलोकॉर्डेटा में रखा जाता है। इस प्रकार हमने आज सिफेलोकॉर्डेटा की एफिनिटीज़ के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि उसमें कई करैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कॉर्डेट्स के हैं, लेकिन अगर हम हायर कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनसे भिन्न हैं। इसलिए इन सिफेलोकॉर्डेट्स को इंडिपेंडेंट सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा में रखा जाता है। थैंक यू।